जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड़ से है, जहां शहर के गीतांजलि बेड कॉलेज में भामाशाह महबूब अली गोरी का स्वागत सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बुरसू निवासी मुंबई प्रवासी समाज सेवी भामाशाह महबूब अली गोरी ने अपने निजी खर्च पर 40 लाख की लागत से 6 एम्बुलेंस गाड़ियां बोरावड़ मकराना परबसर बुरसू कुचामन व डेगाना में जन सेवा के लिए समर्पित किए, जिस पर आज गीतांजलि बेड कॉलेज के संचालक लाल मोहम्मद खान व पार्षद मेमुना बानो वह उनके पुत्र परवेज खान ने गौरी का माल्यार्पण कर साफा बंधवा कर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर गौरी ने कहा कि जनसेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सभी एम्बुलेंस में गरीब तबके के लोगों को रियायत दरों पर सेवा दी जाएगी। एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान रशीद दबानो, हाजी उमर गौरी, लुकमान चांगल, अजीज बड़गुजर, फारूक अली, आमीन बंदूकिया, मुमताज अली, असलम गौरी, साहिद बंदूकिया, इकबाल कुर्डिया, सफ़ी चांदेड़, हकीम कुर्डिया, मोइनुद्दीन खत्री, संस्था प्रधान डॉक्टर सी एस भाटी, प्रोफेसर आर के सैनी, प्रेमराज सिंह, मजीद गौरी, मोहम्मद यनूस, मोहम्मद साहिद, नदीम खिलजी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोरावड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, जयवन राजस्थान न्यूज़।